अच्छा वाला है, तुम अपने मेरे वाला मुझको सिगरेट ले जाओ, सब अच्छी अच्छी भी तुम्हें कितना बोलता है बोल? 150 दे दो। 150, 150? हाँ ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद वाहिद है, काम पढ़ाई करता हूँ और बुक बेचता हूँ। पापा बाल काटते हैं और मम्मी घर में रहती है। ये मेरी बहन है, इसकी 7 साल है, मेरी 9 साल है। काम 8 बजे आता हूँ बांद्रा में, 11:30 बजे चले आता हूँ, फिर वापस स्कूल जाता हूँ, खाता पीता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ। साढ़े 5 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर घर पे आता हूँ, वापस जाता हूँ बेचने के लिए, वहाँ से आता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ घर पे बैठ के, पढ़ाई करके पानी भरता हूँ, पानी भर के फिर सो जाता हूँ। तो इंग्लिश में बेचता हूँ, सर थोड़ा थोड़ा बता देता है और सबको मालूम रहता है ऐसी किताब पढ़ने का मेरे को। उतना इंग्लिश तो आता नहीं पढ़ने को, तो कहाँ से पढ़ पाऊँगा इंग्लिश का, बैठ गया ना गाने यहाँ से आएगा। बैको मामा वो मंत्री बन गया उधर, अरे अमेरिका का ना मंत्री बन गया, वो अमेरिका में सबका भला चाहता है कि जैसे सबको अमीर बना दो, मतलब जो गरीब है उसको अमीर बन जाए। सब टीवी में देखता हूँ मैं रोज। वो उसके दोनों भाई को पुलिस पकड़ ले गई ड्रग्स की वजह से, और ये देखा कि उसका किताब भी छप गया, 2-3 किताब उसका निकला है, मेरे पास है, मैं बेचता हूँ। 2-3 किताब मैं बेच चुका उसका। व्हाइट टाइगर और दूसरा वो चिकन सूप हो तो वो दिखाओ। हाँ ये चिकन सूप है देखो। और वो अभी दूसरा एक नया आया है वो मॉन्क वाला, कौन सा है नाम भूल गई मैं, और उन प्रॉफिट है नहीं द मॉन्क वाला एक। अभी बता इसका कितना लगाएगा? 300 मैडम। दो बुक चाहिए, दो बुक का कितना लगाएगा? क्या आपके लिए कम कर देगा? 200 रुपया दे दो मैडम। नहीं 200 नहीं दूंगी। क्या ना मैडम, घर में पैसा नहीं है ना, इसलिए किताब बेचना पड़ता है। पापा का धंधा भी नहीं होता, 40-50 का होता है, खाने पीने में चले आता है, इसलिए काम करना पड़ता है हम लोग को, नहीं तो काम नहीं करना पड़ता हम लोग को। घर है इतना ही छोटा है, छोटा सा है, एक ही कमरा है मैडम, झोपड़पट्टी है, एक नीचे एक ऊपर है, हम लोग ऊपर का रहते हैं, नीचे दूसरे आदमी रहते हैं। घर में 7 जन है, पापा रहते हैं, मम्मी रहती है, एक बहन है, एक बड़ी बहन है, और मैं भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई है, गांव की बहन ही लगती है, गांव की है। मैं बेड के ऊपर सो जाता हूँ, मतलब ऐसा कुर्सी है उसके ऊपर सो जाता हूँ, सब लोग नीचे सो जाते। गांव से मजबूरी थी, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो मैं आई थी तो बच्चे का देखभाल इसको पापा कर नहीं पाए, तो इसके लिए हमको आना बहुत ज़रूरी था। मैं देखभाल करो, कपड़े धुलो इन लोग के, स्कूल भेजो, कभी गए कभी नहीं गए जी, मजबूरी के लिए बेचने देते हैं, मालूम जाली है वो। देखिए क्या करें, मजबूरी बहुत बड़ी बात होती है, सब पता है, पर जिसको लेना होता तो ले लेता है। So these books might be pirated, but they are helping them in some way. I think it's helping them come out of their poverty. जिसको थोड़ा अमीर नहीं रहता ना, जो सबसे अमीर रहता है वो दुकान से लाता है, 400 का, 900 का, 1200 का, ऐसा खरीद के लाते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है 100 रुपये का खरीदने का है,
वो हमारे से खरीदते हैं. Seeing the age of this little boy and his sincerity, I think we must try and help them rather than them going on the wrong track in life and taking up to drugs or something. ये कभी तो हो गया तो 100-200 हो गया और कभी नहीं हुआ तो 2-2 दिन तक नहीं होता, दिखता ही नहीं है 2-2 दिन तक. कोई वर्जिला तो है नहीं बिकेगा, अभी कभी ले लिए तो ले लिए. So it's better to pick up from these people. They just give it to you right inside your car. What else do you want? तमन्ना तो बहुत कुछ है लेकिन अभी अपने आप सामने से देखते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं. पैसा होगा कुछ देखते हैं तो आगे का सोचते हैं, पहले आगे का नहीं सोचते. क्या करेंगे हम तो देखेंगे, बच्चे रोड पे बेचने को अगर कुछ हो जाए, चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो क्या करेंगे. लेकिन मजबूरी बहुत बड़ी चीज़ है, क्या करेंगे. बुक बेच रहा था और मैं लिप मांग रहा था, बांड्रा आ रहा था तो बस खड़ा हुआ था. मैं झांका तो नहीं आ रही थी तो मैं ऐसा निकलने लगा क्रॉस करके, तो वो सटक बहुत तेज से भगाया हुआ था तो मेरे को ठोंक दिया, मैं गिर गया, सब फूट उड़ गया था. डॉक्टर के पास गया, 2-3 दिन में अच्छा हो गया था. वापस गया बेचने के लिए, गाड़ी नहीं रुकी, वो जुड़ते भाग गया. गांव में अच्छा लगता है, यहाँ पे कोई वैसा है नहीं अपना दोस्त वोस्त खेलने के लिए. ज़्यादा जन है नहीं, नहीं गांव में जाते थे बगीचे में, चढ़ जाते थे आम के पेड़ पे तोड़ के खाते थे. यहाँ पे कुछ अच्छा ही नहीं लगता. गांव में पास ज़्यादा पैसा नहीं है ना, और जो पैसा है वो सब खाने पीने में लग जाता है. पैसा बचता है नहीं खाने के लिए, यहाँ पे चले जाते हैं, काम भी करते, खाते पीते भी हैं. मैं वो 70-80 ऐसी खरीद रहती है, उसके ऊपर जो भी मिलता है हम लोग का होता है. इसमें 100-200 हो जाता है, उसको मम्मी को दे देता हूँ. 10 रुपया रोज का गुल्लक में डालता हूँ. वो अभी तो 100-150 हो गया, 150 रोज से डालता हूँ. उसे गांव में जाके साइकिल लेगा, अभी साइकिल लेगा. मेरे को तो जादू का अच्छा लगता है, हैरी पॉटर, नागिन और कार्टून, कार्टून टाइम एंड जेरी सब बहुत अच्छा लगता है. हाँ बिल्ली, चूहा बहुत अच्छा था बिल्ली को. बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा नहीं तो और कुछ करेगा. बहुत पढ़ाई करूँगा उसके बाद में बनूँगा. पहले कमाएगा, पहले कंप्यूटर चलाएगा, फिर पैसा हो जाएगा, फिर डॉक्टर बनेगा. पढ़ाई थोड़ा कर लेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर कहीं नौकरी करेगा, फिर उसको बटोर के फिर कंप्यूटर खरीदेगा, फिर इंग्लिश भी सीख लेगा, फिर पढ़ेगा, फिर डॉक्टर बनेगा. ऐसा हो जाएगा कमा के. क्या है ना, गांव में कोई डॉक्टर जल्दी आता नहीं है ना, इसलिए सब बीमार रहते हैं. कोई जल्दी आता नहीं है वहाँ पे, दवा भी नहीं अच्छी देते, डुप्लीकेट दवा दे के चले आते हैं, इसलिए और बीमार हो जाते हैं. इसलिए डॉक्टर बनूंगा और अच्छी दवा दूंगा सबको. इतना पढ़ाई करूंगा इतना कि अभी तक कोई डॉक्टर ने भी पढ़ाई नहीं किया होगा,